सीजन की पहली एपिसोड में हम देखते हैं एक ब्रिज को जिसके हर तरफ लाल रंग का धुआं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर जंग हो रही थी जो कि अब बिल्कुल एंड होने वाली है। इसी सब में हमें दो लड़कियां दिखाई देती हैं और उसी के साथ एक आदमी भी जो किसी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा स्मोक कम होता है तो हमें नजर आता है कि ये आदमी अपना वेपन नीचे गिराता है और ऐसे ही हमें वहां पर एक लाश दिखाई देती है। उन दोनों लड़कियों में से एक बड़ी लड़की रोने लगती है जैसे कि शायद वो लाश उसकी माँ की हो या फिर किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की। इसके बाद वो आदमी इन दोनों लड़कियों को लेकर चला जाता है। हमें उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाई देता है जो कि लगता है कि बहुत टाइम के बाद का है, जहाँ पर हम फिर से उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिनके साथ अब दो लड़के भी थे। इन दो लड़कियों का नाम था वी और पाउडर। वी इनमें से बड़ी लड़की थी और पाउडर छोटी वाली। उन दो लड़कों में से एक लड़का थोड़ा मोटा सा था जिसका नाम है क्लैगर और एक लड़का जिसका नाम है माइलो। ये सब लोग एक बहुत ही प्यारी सिटी के बीच में एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े थे जिसके बाद वहां से वी जंप कर जाती है। क्लैगर जो कि पहले ही बहुत परेशान था वो भी माइलो के साथ उसके पीछे जंप कर जाता है। पाउडर काफी पीछे खड़ी रहती है पर उसे वी कहती है कि तुम भी जंप कर जाओ, जिसके बाद पाउडर जंप कर जाती है और वो गिरते गिरते बचती है क्योंकि वी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सब लोग एक बैल्कनी तक पहुँचते हैं जिसका डोर लॉक था। माइलो वी से पूछता है कि भला बैल्कनी को कोई लॉक क्यों करेगा, जिसके बाद वी उसके डोर को तोड़ के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो सबसे कहती है कि यहाँ पर जो भी चीज महंगी नजर आती है उसको उठा लो। सब लोग चीजों को ढूंढने में लग जाते हैं। माइलो को यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आती है जिसके ऊपर एक ब्लू कलर का बॉल लगा था। माइलो उसे जैसे ही टच करता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाउडर भी चीजें ढूंढ रही थी और वो एक डिफरेंट किस्म के रूम में चली जाती है। वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें वैसे ही ब्लू कलर के बहुत सारे बॉल्स लगे थे। माइलो वी से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया, तो वी उसे बताती है कि मुझे लिटिल मैन ने इस जगह के बारे में बताया था। यहाँ पर वी को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से कोई वहाँ आने लगा है, जिसके बाद वो सबसे कहती है कि यहाँ से निकलना होगा। पाउडर अब वहाँ के सारे छोटे ब्लू कलर के बॉल्स उठा लेती है पर उससे यहाँ पर एक गलती हो जाती है। एक ब्लू बॉल उससे नीचे गिर जाता है जो कि गिरते साथ ही थोड़ी देर बाद एक्सप्लोड करता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से उस साइड की बिल्डिंग नीचे तबाह हो जाती है। इसको देखकर नीचे जितने भी गार्ड्स खड़े थे वो ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग वहां से भागने लगते हैं और शहर के बीच में से होते हुए ये लोग एक गटर के शटर के सामने आकर खड़े होते हैं, जिसके बाद वो शटर खुलता है और ये लोग उसमें चले जाते हैं। नीचे पहुंचते साथ ही इन सब में बहस स्टार्ट हो जाती है कि ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। यहाँ पर वी सबको रिलैक्स करती है कि हमने यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी जगह से चोरी की है। इसके अलावा वहाँ की इन्फोर्सर्स ने भी इनको नहीं पकड़ा। इन्फोर्सर्स वही लोग थे जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में थे। इसके बाद यहाँ से ये लोग निकलते हैं और शहर के अंदर की एक गंदी सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इनको एक लड़कों का ग्रुप मिलता है। उसका लीडर जिसका नाम डेकर्ड था वो वी से कहता है कि अपना चुराया हुआ सामान मेरे साथ शेयर करो। इसके बाद इन दोनों स्क्वाड्स में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पाउडर यहाँ पर सारी लूट लेकर भागने लगती है, जिसके बाद डेकर्ड के स्क्वाड का एक आदमी उसको फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ डेकर्ड अपना चाकू निकालता है और वी को डराने लगता है। वी उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ पाउडर एक डेड एंड तक पहुंच जाती है। डेकर्ड के स्क्वाड का आदमी अभी उसके पीछे था। यहाँ पर डरकर वो उसके सामने एक बॉम्ब फेंकती है पर वो एक्सप्लोर नहीं करता, जिसके बाद डर के मारे वो सारी लूट को पानी में फेंक देती है। इसके बाद हम ये सारा स्क्वाड दोबारा से यूनाइटेड देखते हैं। यहाँ पर ये लोग एक घर की तरफ जाते हैं जिसका दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर माइलो तो उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा था पर वी सारी बातों को इग्नोर करके पाउडर को कुछ नहीं कहती। ये लोग एक लिफ्ट में जाते हैं जिसके बाद वी उसका लिवर नीचे को खींचती है और लिफ्ट नीचे चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ की अंडरग्राउंड सिटी को देखते हैं जो कि उतनी ही ज्यादा अगली थी जितनी ऊपर की सिटी ब्यूटीफुल थी। हमें यहाँ अंडरग्राउंड सिटी की गंदी गंदी शॉप्स भी दिखाई जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक गंदे से बार में, जहाँ पर हम एक पतले से आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में दो बियर ग्लास थे और वो एक टेबल पर जाता है जहाँ पर ऑलरेडी एक गंजा सा आदमी और एक औरत बैठे थे। वो उनको ये बियर ग्लास सर्व करता है और उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद वो एक पाउच में कुछ चीजें गिनता है और उस गंजे आदमी से कहता है कि ये उतने पैसे नहीं है जितना हमने डिसाइड किए थे। इसके ऊपर वो गंजा आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे सामान के पैसे बस इतने ही बनते हैं। यहाँ पर इसी बात को लेकर इन तीनों में बहस शुरू हो जाती है। वो दोनों मिलकर इस पतले आदमी को धमकाने लगते हैं। इतनी देर में यहाँ पर एक और आदमी आता है और इनको मना करता है कि इस पतले आदमी को तुम लोग तंग मत करो। वो औरत कहती है कि तुम ही हो ना यहाँ के वांडर आउट ऑफ द अंडरग्राउंड,
जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा अगर तुमने इस पतले आदमी को वो पैसे दे दिए जितना वो डिजर्व करता है। अब इसके बाद एग्रीमेंट के तौर पे वो अपना स्मोकिंग पाइप उस औरत को देता है और वो औरत स्मोक कर लेती है। बार में वॉन्डर को वी का ग्रुप आता दिखाई देता है जिसके बाद ये ग्रुप एक अलग रूम में चले जाते हैं। वॉन्डर उनको फॉलो करता है और वहाँ जाकर वी से कहता है कि तुम लोग उस बिल्डिंग में क्यों गए थे, वहाँ पर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। इस बात को लेकर तो वी और वॉन्डर में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है जिसके बाद वेंडर इसे कहता है कि तुम लोग नॉर्थ साइड नहीं जाओगे, वहाँ पर जाना मना है। वी कहती है कि हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, वहाँ के लोग इतने ज्यादा अमीर हैं, जिसके बाद वो वॉन्डर को डरपोक कहती है। इसके बाद वॉन्डर बाकी सारे लोगों को बाहर जाने को कहता है और उसके बाद वो वी को समझाता है कि तुम यहाँ की लीडर हो, तुम ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकती। वेंडर उसे कहता है कि हम वहाँ पर चोरी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे वो लोग इन्फोर्सर्स को यहाँ पर भेज देंगे और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। जिसके ऊपर वी उसे कहती है कि हम उनसे आराम से लड़ लेंगे, जिस पर वेंडर उसे समझाता है कि लड़ाई हर चीज का सलूशन नहीं बल्कि उससे प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। इस बात से हमें लगता है कि वेंडर इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वेंडर वी से लूट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि सारी लूट तो ऐसे खो गई, जिसके बाद वेंडर काफी रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ से जाता है और क्लैगर को अपने साथ लेकर जाता है जिससे वो इस सारे इंसिडेंट के बारे में बातचीत कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाउडर को जो वो कुछ सामान में से कुछ निकाल रही थी। उसके हाथ में हम फिर से वही ब्लू बॉल्स देखते हैं जिसको वो अपनी पॉकेट में रख लेती है और वी के पास जाती है ये बात शेयर करने के लिए। बट वहाँ पर वो वी और माइलो की बातें सुन लेती है जहाँ पर माइलो वी से कह रहा था कि ये सारा कसूर पाउडर का है और वो बहुत ही ज्यादा नासमझ और अनएक्सपीरियंस्ड है। इस बात को सुनकर पाउडर बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वी यहाँ पर माइलो को बहुत गुस्से में देखती है और उसे कहती है कि जब मेरी शक्ल पर ऐसे दिखाई दे तो मेरे सामने से चले जाया करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंडर और क्लैगर एक शॉप के पास गए हैं जहाँ पर क्लैगर बाहर ही होता है और वेंडर अंदर शॉप के जाता है। वो शॉप के ओनर से कुछ अकेले में बात करना चाहता था। वहाँ शॉप में एक और लड़का भी काम कर रहा था। शॉप ओनर उस लड़के से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। ये लड़का जब बाहर जाता है तो क्लैगर इसे लिटिल मैन के नाम से पुकारता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये वही है जिसने वी को उस जगह के बारे में बताया था। यहाँ पर शॉप ओनर और वेंडर के बीच में सुबह के इंसिडेंट को लेकर बातें हो रही थी। शॉप ओनर वेंडर से कहता है कि ऑलमोस्ट हाफ अंडरग्राउंड सिटी को पता चल चुका है कि सुबह क्या हुआ था, ये बच्चे इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। वेंडर उसे कहता है कि ये अभी छोटे हैं और अपनी स्टोरीज खुद लिख रहे हैं, जिस पर वो वेंडर से कहता है कि तुम इनको कब तक बचाओगे। बाहर क्लैगर लिटिल मैन से पूछता है कि तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला, जिस पर लिटिल मैन कहता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने हमें पे किया गोल्ड से और हमने तो उसको बहुत ज्यादा चार्ज किया था, तो मैंने उसको फॉलो किया और मुझे पता चल गया कि वो कहाँ रहता है। अब ये दोनों बातें कर रहे थे कि यहाँ पर इन्फोर्सेस के दो आदमी आ जाते हैं, क्लैगर तो यहाँ से चला जाता है और लिटिल मैन भी छुप जाता है। ये दोनों उसी शॉप के अंदर जाते हैं। इनमें से एक इन्फोर्सर थोड़ा यंग था और इनएक्सपीरियंस भी। वो वेंडर से काफी बदतमीजी से बात करता है और सुबह के इंसिडेंट के बारे में ही इंक्वायरी कर रहा था। यहाँ पर दूसरी वेंडर जो कि एक औरत थी काफी एक्सपीरियंस लग रही थी और सीनियर भी, वो दूसरे वाले इन्फोर्सर को बाहर भेजती है। लिटिल मैन यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर जाता है ताकि वो इनकी बातें सुन सके और वो सुनता है कि ये बातें कर क्या रहे हैं, जहाँ पर वो लेडी वेंडर से कहती है कि सुबह के इंसिडेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे मुझे उनको दे दो। यहाँ पर वेंडर तो इनकार कर देता है पर वो औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने उन लोगों को मेरे हवाले ना किया तो मुझे यहाँ पर इन्फोर्सर्स की एक आर्मी को भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो वेंडर को एक चीज देती है और कहती है कि अगर तुमने अपना फैसला बदल दिया तो ये मुझ तक पहुँचा देना। सीन फिर से शिफ्ट होता है वी और पाउडर पे, जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे। पाउडर वी से कहती है कि उसने वी और माइलो की बातें सुन ली थी, जिस पर वी उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तो हमारा एक बहुत अच्छा कॉम्बो है। इसके बाद ये लोग एक रूफटॉप पर जाते हैं जहाँ पर पूरी सिटी का एक नजारा था। ये दोनों यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये लोग कैसे मिले थे। क्लैगर के पीछे कुछ इन्फोर्सर के लोग लगे थे, जिसके बाद वो एक जगह पर फंस जाता है और पूरी रात वहीं पे गुजारता है, जिसके बाद इन लोगों ने उसे यहाँ से निकाला था। दूसरी तरफ माइलो एक बहुत ही बुरा सा ग्राफिटी बनाते हुए पकड़ा गया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि वी का भी एक टेडी किसी फायर पे फंस गया था। वो बताती है पाउडर को कि हम सब की लाइफ में कुछ बहुत ही बुरे डेज आए जरूर हैं, जिसके बाद यहाँ पर पाउडर उसको वो ब्लू बॉल्स दिखाती है। वी कहती है कि ठीक है, ये हम दोनों का एक सीक्रेट रहेगा। सीन शिफ्ट होता है डेकार्ड पे। ये
ये वही था जिसके स्क्वाड ने वी के स्क्वाड के ऊपर हमला किया था। यहाँ पर डेकार्ड को भी किसी ने पकड़ा हुआ था। एक आदमी उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि वी के ग्रुप को फॉलो करना है, जिसके ऊपर डेकार्ड उसे बताता है कि सुबह की जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी वो वी के स्क्वाड की वजह से ही थी, जिसके बाद वो आदमी ये बात सुनकर काफी खुश होता है। इसके बाद वो डेकार्ड को यहाँ से जाने देता है और मन ही मन कहता है कि इसका मतलब ये है कि वेंडर के ऊपर खतरा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ग्लास के अंदर चूहे पर। इस चूहे के सामने एक बिल्ली को रखा जाता है, जिसके बाद ये चूहा एक पाइप से जाकर कुछ पीता है और अचानक से चेंज होने लगता है। उसमें बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, जिसके बाद वो बिल्ली को मार देता है। और यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।